बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको आंतरिक प्रति ग्रोथ स्मॉल आर के बारे में समझाया था, ठीक है। आज मैं विद्युत वाहक बल ई के बारे में बता रहा हूं, ठीक। जब सेल से विद्युत धारा नहीं ली जाती है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल ई कहलाता है। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप मार्केट से एक सेल लेके आते हैं और उसको सर्किट में नहीं लगाते हैं, तो जो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? विद्युत वाहक बल ई बोलते हैं। इसकी इकाई वोल्ट है, ठीक। अब एक इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं, इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, या यह है सेल द्वारा एक एकांक धनावेश को धनावेश को पूरे परिपथ आंतरिक एवं बाह्य परिपथ में ले जाने में किया गया अधिकतम कार्य होता है, ठीक। इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, दो सेलों के बीच का अधिकतम विभवांतर हम धारा नहीं लेते हैं, या हम इसको ऐसा भी बोलते हैं, सेल के ये पॉजिटिव और निगेटिव एक आवेश को इधर से वापस और फिर वापस यहीं तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह है
आपके पास विद्युत वाहक बल E कहलाता है, तो इसको हम ऐसा करते हैं W अपॉन Q डैश, ठीक है। एंड इसको मैं ऐसा कर देता हूं W अपॉन Q के मान के बराबर आता है। कार की यूनिट जूल, इसका यूनिट कूलाम, 1 जूल एंड 1 कूलाम वोल्ट के इक्वल हो जाता है, तो यह वोल्ट होता है, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर टर्मिनल वोल्टेज जी लेके चलते हैं, सेलों के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर जब परिपथ से धारा ली जाती है तो वह टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। इसका भी इकाई वोल्ट है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, अब सेलों को आप किसी सर्किट में लगा दो, जैसे रिमोट में लगा दिया, कहीं लगा दिया, तो अब आप विभवांतर नापेंगे, तो जो विभवांतर आता है वह टर्मिनल वोल्टेज कहलाने लगता है, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी डिफाइन कर लेता हूं, ये मेरे पास ऐसा भी डिफाइन होती है, यहां पर देखिए टर्मिनल वोल्टेज को मैं ऐसा भी डिफाइन कर देता हूं, वोल्टेज भी ये ऐसा भी दिखाई देता है, एकांक धनावेश को, धना धनावेश को केवल बाह्य परिपथ में बाह्य परिपथ में ले जाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, एक ये सेल है, अभी हम टर्मिनल वोल्टेज में क्या कर रहे थे, एक एकांक धनावेश को इधर से इधर ला रहे थे, और इसमें हम क्या करते हैं, आवेश को केवल यहां से यहां तक लेके आते हैं, तो यह जो कार्य किया जाता है वह है टर्मिनल वोल्टेज V W डैश अपॉन Q कहलाता है। तो व्हाट इज डिफरेंस होता है बिटवीन EMF विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज में एकांक धनावेश को केवल बाह्य परिपथ में लाने के लिए जो सेल कार्य करता है वह टर्मिनल वोल्टेज होता है, और यहां से यहां और वापस लाने में जो कार्य होता है वो विद्युत वाहक बल E कहलाता है, ठीक
ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन निकालता हूँ, ये हमारे पास विद्युत वाहक बल ई टर्मिनल वोल्टेज वी और आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध ठीक। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको मालूम है कि जब सेल को मैं लाइन लगाता हूँ तो अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, या सेल द्वारा एकांक धनावेश को आंतरिक और बाह्य परिपथ में किया हुआ कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। तो ई आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल में दो टर्मिनल है और जो कार्य कर रहे हैं वो यहां से यहां तक के लिए हो गया, ये बाह्य प्रतिरोध आर और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर आ गया। तो इस कंडीशन में जो करंट आई फ्लो होता है, तो आई बराबर ई अपॉन आर, इसलिए ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई आर प्लस स्मॉल आर, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी कंडीशन में अगर आप वी को बट है ना, आप देखिए वी के टर्म में डिफाई करें तो वी आई इक्वल टू वी अपॉन आर, इसलिए वी इक्वल टू कितना आएगा, आई इंटू आर के इक्वल आ जाएगा, ये कंडीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे तो आवेश यहां से यहां तक आएगा, दोनों को घटा दीजिए, एक ऋण दो से क्या कंडीशन बनेगी, ई माइनस वी, इन दोनों को आप सॉल्व करिए, आई आर प्लस स्मॉल आर माइनस आई आर, ये आई आर कैंसिल, तो ई माइनस वी इक्वल टू आई इंटू आर, ये और वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ये रिलेशन आ जाता है। इससे मैं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू को भी कैलकुलेट करता हूँ। स्मॉल आर को कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या आ जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को हमने यूज किया है। ठीक, आप देखिए स्मॉल आर ई माइनस वी आई इक्वल टू कितना है, वी अपॉन आर, इसको सॉल्व कर लीजिए, आर ऊपर चला गया, ई माइनस वी अपॉन वी, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन, ये रिलेशन आता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अभी हम प्रैक्टिकल आपको कराने वाले हैं, उनके बारे में आपको समझाएंगे, तब भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए।